लड़ रहे बिल्कुल हैं के साथ। निर्णय हमारे साथ देवेंद्र पाराशर भी, देवेंद्र पाराशर आप क्या देख पा रहे हैं जरा वो बताइए। पंकज हमारे ठीक पीछे आप देखें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी अपने पूरे परिवार के साथ आप खड़े हैं और जाहिर तौर पर जिस प्रकार से जिस सामूहिकता की भव्यता दिव्यता और एकता का प्रदर्शन किया जाना था इस कार्यक्रम के मार्फत कोरोना महामारी के खिलाफ उसका प्रदर्शन किया जा रहा है। ओम बिरला जी खुद लोकसभा अध्यक्ष हैं, अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पे खड़े हैं और जाहिर तौर पर पूरे देशवासियों को ये एक संदेश है कि किस प्रकार से इस महामारी ने जो एक निराशा या अंधकार का भाव फैलाया है उससे हमें लड़ना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपील की थी जाहिर तौर पर कोरोना के खिलाफ जो हमारी लड़ाई लड़ी जा रही है वो कई अलग अलग स्तरों पर लड़ी जा रही है और ऐसे में बहुत जरूरी है था कि समाज में किसी प्रकार का कोई निराशा ना आए और किसी को यह एहसास ना हो कि क्योंकि आप घरों में बंद हैं तो इसलिए आप अकेले हो गए हैं। भले ही आप सोशल डिस्टेंसिंग के चलते घरों में बंद हैं लेकिन यह पूरा देश 130 करोड़ लोग एक हैं और उसी का प्रकटीकरण कर रहे हैं यहां पर खुद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी। और इस कार्यक्रम की अगर बात करें तो कार्यक्रम के काफी पहले मैं यहां पर पहुंच गया था, मैंने खुद यह देखा कि एक एक चीज का मुआयना उन्होंने बहुत बारीकी के साथ खुद किया था कि किस प्रकार से घर की लाइटें ऑफ हो जानी चाहिए, सारे लोग दीपक लेके आएंगे, किस प्रकार से यहां भी सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, परिवार के सभी लोगों को उन्होंने खुद निर्देश दे रखा था। तो ये सारी चीजें जाहिर तौर पर एक संदेश है कि किस प्रकार से हमें इस महामारी के खिलाफ लड़ना है और इस लड़ाई में कहीं से भी कोई निराशा नहीं आनी चाहिए। जिस सामूहिकता की भव्यता दिव्यता और एकता का प्रदर्शन किया जाना है वो इस कार्यक्रम के मार्फत किया जा रहा है। बिल्कुल, तो 100 शहरों से लगभग ऐसी ही तस्वीरें आ रही है, धीरे धीरे हम एक एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। टी राघवन मेरे एक और सहयोगी बेंगलुरु में इस वक्त है। राघवन, आपके यहाँ की जो तस्वीर है हम जानना चाहेंगे आपसे। जी बिल्कुल पंकज, देखिए अंधकार रूपी कोरोना से लड़ना है, प्रकाश रूपी हौसलों को बुलंद करना है। तस्वीरें ईटा गार्डन्स की हैं, करीब 700 अपार्टमेंट इस सोसाइटी में हैं पंकज और सभी 700 लोगों ने अपने घरों की लाइटें बंद कर दी। आप देखिए जितना भी संभव हो सक रहा है फ्लैश लाइट दिए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, एक पोस्टर भी हमें यहाँ पर दिख रहा है जिसमें लिखा गया है कि वी स्टैंड विथ मोदी जी। एक बहुत बड़ा मैसेज है अटल बिहारी वाजपेयी की, वो कविता याद आती है कि माना कि अंधकार काफी घना है लेकिन दिया जलाना कहां मना है। ये एक संदेश जो है कोरोना से लड़ने का बेंगलोर के लोग दे रहे हैं। पूरे साउथ इंडिया की अगर बात कर लें पंकज तो सभी जगह ये देखने को मिल रहा है कि ठीक 9 बजते ही सभी लोगों ने अपने घरों के लाइटों को बंद कर दिया और जो भी जितना भी उनसे मुमकिन हो पाया, कोई मोमबत्ती लेकर आया है, कोई दिया लेकर आया है, कोई मोबाइल फ्लैश लाइट से, ये सारी तस्वीरें जो है वो बहुत एक बड़ा मैसेज एकता का दे रही है कि इस लड़ाई में पूरा देश सरकार के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है और उसकी तस्वीरें जो है ये यहां पर सजीव उसकी मिसाल बनी हुई हैं पंकज। पीएम मोदी वी स्टैंड विद यू, इस तरह के बैनर पोस्टर प्रकाश जावड़ेकर को आप देख रहे हैं, उनके आसपास भी आप देख रहे हैं, सब लोगों के हाथ में दिए हैं। राघवन के पीछे आपने देखा किस तरह से वहां लोगों ने अपने घरों की लाइट्स बंद कर दिए हैं और दिए जला रहे हैं। मुंबई की तस्वीर, चेन्नई की तस्वीर, लगभग 100 शहरों की तस्वीरें, हम एक एक करके आपको एक साथ तस्वीरें दिखा पाना मुमकिन नहीं है लेकिन आपको बता दें कि 100 शहरों में लगभग इसी तरह से प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर लोग अपने घरों के बाहर बैल्कनीज में खड़े हैं, दिए जला रहे हैं। ये अलग अलग शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। क्या आम क्या खास सब इस मुहिम में कोरोना जैसे अंधकार को दूर करने के लिए एकजुट हुए हैं जो भारत की पहचान